नमस्कार, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज एक बार पुनः आपके समक्ष अपने नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडल्स एंड अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्स कोड है UGPA 101 और इसके अंतर्गत ब्लॉक 1 यूनिट 4। यूनिट 4 के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी उसका लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से, आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके माध्यम से आप उसका पार्ट 1 देख सकते हैं। उसमें मैंने जो बात की थी वो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस पर हमने चर्चा की थी, और आज ये उसी का दूसरा पार्ट है। इसके अंतर्गत हम इसके मॉडल्स एंड अप्रोचेस पर बात करेंगे। तो मॉडल्स एंड अप्रोचेस, अब जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो कोई वहाँ पे शब्द आता है, कोई टर्म आता है, तो जब तक उसका हमें मीनिंग क्लियर नहीं होता है तो हमें वो अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉडल एंड अप्रोचेस होता क्या है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसको आज हम जानेंगे, इस पर बात करेंगे, और क्यों ये दोनों अलग अलग हैं, या इन्हें हम कभी कभी पर्यायवाची के रूप में भी एक जैसे शब्दों की तरह हम इसको प्रयोग करते हैं, तो क्या ये एक ही है या अलग अलग हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मॉडल एंड अप्रोचेस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जब कोई भी व्यक्ति किसी विषय को लेकर के अपना कोई दृष्टिकोण रखता है, जैसे भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, एक ही विषय पर एक व्यक्ति का दूसरा दृष्टिकोण होगा, दूसरे व्यक्ति का उससे अलग दृष्टिकोण होगा, तो इसे ही हम अप्रोचेस के अंतर्गत पढ़ते हैं कि किसका सोचने का नज़रिया कैसा है, एक विषय को लेकर के व्यक्ति के सोचने का नज़रिया कैसा है, इसी को हम अप्रोचेस कहते हैं, कि वो किस अप्रोच के साथ उस विषय के बारे में सोचता है, अपना दृष्टिकोण बनाता है। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हम दो या दो से अधिक देशों के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और उसके आधार पर हम अपना एक मॉडल तैयार करते हैं। अप्रोचेस का अर्थ होता है कि किसी विषय को लेकर के हमारा दृष्टिकोण क्या है। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे हमें अगर भारतीय राजनीति पर एक स्टडी करनी है, इंडियन पॉलिटिक्स पर एक स्टडी करनी है, तो हम उसमें कौन सी अप्रोच का प्रयोग करें, किस अप्रोच के थ्रू हम उसकी स्टडी करेंगे, किस अप्रोच के थ्रू उसकी हम आधार सामग्री कलेक्ट करेंगे, अपने प्रश्नों को तैयार करेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने भारतीय राजनीति को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करता है, तो वो पहले उसके भारतीय इतिहास को जानेगा, भारतीय राजनीतिक इतिहास को जानेगा, उसके अंतर्गत उस आधार पर वो अपने विषय तैयार करेगा कि पहले इसका ऐतिहासिक क्रम क्या था, उसकी स्टडी करेगा। अगर कोई इसका कानूनी दृष्टिकोण अपनाता है, कोई कानून को आधार मानता है, उसकी जो आधार सामग्री है वो संविधान होगा, वो संविधान के आधार पर उसका एनालिसिस करेगा और अध्ययन करेगा। तो इसी प्रकार से कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम दो विषयों के बीच में अपनी जिस अप्रोच को लेकर के चलते हैं उसी अप्रोच को अपनाते हैं और उसी आधार पर उसकी आधार सामग्री कलेक्ट करते हैं, अपने प्रश्नों को तय करते हैं कि इसके से संबंधित क्या प्रश्न होने चाहिए, क्या आधार सामग्री होनी चाहिए, और फिर हम दो देशों के बीच के एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करते हैं। तो इसके अंतर्गत आगे देख लेते हैं, मॉडल एंड थ्योरी आर यूज्ड इंटरचेंजेबली बट थ्योरी इज मोर सोफिस्टिकेटेड। अब यहाँ पर अभी हमने बात की थी मॉडल एंड अप्रोचेस की, तो जो अप्रोचेस होती हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो सामान्य होती है। द नेचर ऑफ अप्रोचेस इज जनरल एंड ब्रॉड, वी यूज इन ब्रॉड सेंस। द नेचर ऑफ मॉडल इज स्पेसिफिक। जो मॉडल होते हैं वो विशिष्ट प्रकृति के होते हैं इन द कंपेरिजन ऑफ अप्रोचेस। तो अप्रोचेस हम सामान्य तौर पर एक वृहद स्तर पर हम इसका प्रयोग करते हैं और मॉडल थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। फिर जब हम मॉडल और थ्योरी की बात करते हैं, यहाँ पर आ गया है सिद्धांत। तो मॉडल और सिद्धांत की बात करते हैं तो सिद्धांत यहाँ पर और ज़्यादा विशिष्ट हो जाता है, और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। अगर सामान्य शब्दों में हम कहें तो जो थ्योरी होती है उसके लिए हम माइक्रो लेवल, जो थ्योरी होती है वो माइक्रो लेवल का गाइडेंस प्रोवाइड करती है और मॉडल मैक्रो लेवल का गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो अप्रोचेस जनरल हो गई, मॉडल स्पेसिफिक हो गए, और थ्योरी उससे और ज़्यादा स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करती है। ये बेसिक डिफरेंस इन तीनों में है, इसको आप समझेंगे, उसके बाद यदि आप इसकी स्टडी करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दिस इन्वॉल्व्स प्रपोजिशन,
ये हम थ्योरी के लिए लिखा हुआ है कि थ्योरी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। अभी हम मॉडल अप्रोचेस की बात कर रहे हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अ नंबर ऑफ अप्रोचेस एंड मॉडल्स हैव इमर्ज इन कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिसिस। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉडल्स एंड अप्रोचेस आर एज फॉलोज। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद ही इमर्जेंस हुआ है मॉडल एंड अप्रोचेस का कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो कुछ मॉडल और अप्रोचेस हैं जिन्हें आज हम पढ़ेंगे। तो पहली अप्रोच है ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। जब हम दो देशों के बीच में स्टडी करते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो यदि हम ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को अपनाते हैं, इसके आधार पर उसकी स्टडी करते हैं, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा। सपोज दो देश हैं, भारत और अमेरिका की, यूएसए एंड इंडिया, इन दो देशों की हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन की। तो उसके अंतर्गत हम ये जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को अपनाते हैं तो इसमें हमें क्या पढ़ना होगा, क्या स्टडी करनी होगी, नौकरशाही से ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत हमें रिक्रूटमेंट देखना होगा, स्ट्रक्चर देखना होगा, और उसमें जो रिक्रूटमेंट के किस बेस पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा है, योग्यता के आधार पर चयन हो रहा है या इसी तरीके से पुरस्कार व्यवस्था है, इन सब फैक्टर्स को हम कंपेयर करते हैं। हायरार्की वहाँ देशों की कैसी है, हायरार्की का सिस्टम क्या है और वहाँ रूल्स एंड प्रोसीजर्स क्या हैं, इन सारे फैक्टर्स को हम ध्यान में रख करके स्टडी करते हैं, तो उसको हम ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच कहेंगे। ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दिया था। आप सभी जानते होंगे कि मैक्स वेबर ने जो सत्ता के हैं तीन प्रकार बताए थे, जिसमें कि पहला परंपरागत पारंपरिक सत्ता, दूसरा करिश्माई सत्ता और तीसरा आपका है कानूनी सत्ता। तो उन्होंने जो ट्रेडिशनल, करिश्मेटिक और लीगल तीन तरीके बताए थे अथॉरिटी के, तीन प्रकार बताए थे, तो उन्होंने लीगल अथॉरिटी पर ज़्यादा फोकस किया है, ज़्यादा ध्यान दिया है और उसी को हम ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के अंतर्गत उसी को आधार मानकर पढ़ते हैं। और इसमें उन्होंने कुछ जैसे फैक्टर्स बताए, कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे। द आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल वर हायरार्की, स्पेशलाइजेशन, रिक्रूटमेंट बाय मेरिट, करियर डेवलपमेंट, यूनिफॉर्मिटी एंड इम्पर्सनैलिटी। ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा द जनरल सिस्टम अप्रोच। अब सिस्टम अप्रोच क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द पार्ट्स ऑफ सिस्टम, इंटरेक्शंस अमंग सच पार्ट्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड एनवायरनमेंट। इट लुक्स एट वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड एग्जामिन्स द इंटरलिंकेजेस अमंग वेरियस पार्ट्स। जो सिस्टम के पार्ट होते हैं, सिस्टम के पार्ट क्या होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जो पार्ट होते हैं उन पार्ट्स के बीच में जो इंटरलिंकेजेस, जो लिंक होते, जो लिंकेज होते हैं उनकी स्टडी होती है, उनके अंतर संबंध कैसे होते हैं, उनका इंटरेक्शन कैसे होता है, इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है, उसको हम सिस्टम अप्रोच कहते हैं। सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच सुनने के बाद आपके जेहन में सबसे पहले नाम आता होगा फ्रेडरिक्स का। फ्रेडरिक्स की जो फ्यूज प्रिज्मेट सोसाइटी का जो हम मॉडल पढ़ते हैं, फ्यूज प्रिज्मेटिक सोसाइटी, वो आ जाता है। अभी हम उनके मॉडल को नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम समझ रहे हैं कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, किन अप्रोचेस को आधार बना करके दो देशों के एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी की जा सकती है और कौन सी अप्रोच किसने दी है। इकोलॉजिकल अप्रोच के अंतर्गत क्या है, दिस अप्रोच एग्जामिन्स इंटरेक्शन बिटवीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी हमने जो सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत देखा था तो उसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात नहीं की जा रही थी, वहाँ जो सिस्टम आ रहा था वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ रहा है। और इकोलॉजिकल में क्या है कि यहाँ पे जो सिस्टम है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उस देश का जो बाहरी परिवेश है, वातावरण है, उससे जो इंट्रैक्शन होता है वो इकोलॉजिकल स्टडी के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि हम अगर अपने देश की, भारत की और चाइना से, भारत और चीन की एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की हम तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों देशों का वातावरण कैसा है, दोनों देशों का आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और राजनीतिक वातावरण कैसा है, क्योंकि जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश होता है किसी देश का वो प्रशासन को प्रभावित करता है। इस वजह से हमें उनको भी देखना है कि उस पर्टिकुलर कंट्री जिसमें हम, जिस पर स्टडी कर रहे हैं, उसका
उसका एनवायरनमेंट कैसा है, तो उस एनवायरनमेंट के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उनका इंट्रैक्शन कैसा है, इसकी हम स्टडी करते हैं। तो एक लॉजिकल अप्रोच के अंतर्गत आ जाएगा। इट इज़ प्राइमरीली कंसर्न्ड विद कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑन इंट्रैक्शन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड देयर एनवायरनमेंट। सेम बात है जो अभी हमने बताया। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी आपने इसमें फ्रेडरिक्स की पढ़ी होगी, अगर आपको उनका मॉडल याद होगा। वो एक अलग टॉपिक है, अगर हमारे पाठ्यक्रम में होगा तो हम उस पर भी बात करेंगे। उनके जितने भी मॉडल हैं वो हम पढ़ाएंगे आपको। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच रिवॉल्व्स अराउंड टू की कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। ये दो की कॉन्सेप्ट हैं इसके अंतर्गत, पहला है स्ट्रक्चर और दूसरा है फंक्शन। इसके अंतर्गत दो देशों के बीच जब हम उसके एडमिनिस्ट्रेशन की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हमें देखते हैं कि उन दो देशों का स्ट्रक्चर, डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट एक्शन कैसे परफॉर्म करता है, चाहे वो स्ट्रक्चर सरकार हो या प्रशासन हो, वो कैसे कैसे अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते, सपोज कैसे अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं, कैसे वो अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, इन फैक्टर्स पर हम फोकस करते हैं अपनी स्टडी के लिए, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो ये चार अप्रोच थी जिस पर आज हमने डिस्कस किया तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत। और हमने इससे पहले बात की कि इसमें मॉडल एंड अप्रोचेस में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस पे बात की, और साथ ही साथ हमने थ्योरी को भी समझा कि क्या थ्योरी और मॉडल एक ही चीज़ है या अलग है, तो उसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है, उस पर हमने बात की, उदाहरण के साथ हमने आपको समझाया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में अपना प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इससे पहले का जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर है उसको आप ज़रूर देखें, तभी आपको दूसरा लेक्चर समझ में आएगा। आज ये पार्ट टू है, इसमें हमने सिर्फ मॉडल और अप्रोचेस की बात की। बेसिक चीज़ें जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हैं वो इसके पहले पार्ट में हम बात कर चुके हैं, उसको आप देखेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।